हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है और मैं द ड्रंकन बारटेंडर की तरफ से आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक ढूंढकर लेकर आया हूं, जिसका नाम है बारटेंडर। बारटेंडर होता कौन है, इसकी क्वालिटीज़, इसकी हिस्ट्री, इसका एरा, ये कैसे लोगों को पता चला, इन सभी चीज़ों के बारे में आज मैं आपके साथ मिलकर बात करूँगा। तो चलिए बात करते हैं, बारटेंडर कौन था, बारटेंडर क्या था और बारटेंडर को सबसे पहले हम किस नाम से जानते हैं। बारटेंडर को हम बारकीप, बारमेड, बारटेंडर, बार अटेंडेंट, बार शेफ, टैपस्टर, ऐसे कई सारे नामों के साथ हम उनको जानते हैं। और जब हम बार में जाते हैं, हमें कैसे उनसे बात करनी चाहिए और किन चीज़ों से बात करनी चाहिए, ये चीज़ों का पता होना हमें शायद थोड़ा सा ज़रूरी है। अगर हम बारटेंडर से अच्छे से बात करेंगे तो होपफुली वो आपको बहुत अच्छी चीज़ें रेकमेंड भी करेगा। बारटेंडर कौन होता है, बारटेंडर वो होता है जो अल्कोहलिक नॉन अल्कोहलिक बीवरेज आपको सर्व करता है, जिसको बहुत अच्छी नॉलेज होती है, कोल्ड ड्रिंक, बीवरेज, सॉफ्ट ड्रिंक, स्मूदीज, कॉफ़ी, टी, इन कई सारी चीज़ों की जो पीने लायक बीवरेजेस होती हैं, उन सारी चीज़ों की नॉलेज हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मैं शेयर करता हूँ बारटेंडर पतन कैसे हुआ, बारटेंडर कैसे बॉर्न हुआ, उसका नाम कैसे लोगों को पता चलने लगा, इस चीज़ के हम बारे में बात करेंगे। लेट 90s की, जब 1901-1902 का टाइम था, तो हमारे US, UK, कनाडा, ऐसी कई सारी जगहें, ऐसी सारी कई सारी कंट्रीज, उनके पब बार हुआ करते थे, जहाँ पे एक इंसान बार के पीछे काम किया करता था। बट उस वक्त तक किसी को बारटेंडर का नाम नहीं पता था। उस टाइम पे वो उस वक्त वो सिर्फ हे बड़ी या किसी कई सारी चीज़ों से उनको जाना करते थे। बारटेंडर कौन होता है, बारटेंडर वो होता है जिसको लीगली भी ये पता हो कि बार के अंदर हमें किस को अल्कोहलिक बीवरेजेस सर्व करनी चाहिए। नॉन अल्कोहलिक तो हम किसी को भी किसी भी एज में कैसे भी हम सर्व कर सकते हैं, इस चीज़ की कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इस चीज़ का ज़रूर फर्क पड़ता है कि हमें अल्कोहलिक बीवरेजेस कैसे और किस को, किस एज वाले को सर्व करनी चाहिए। असल बारटेंडर उसी को हम मान सकते हैं जिसके पास हैंगओवर क्योर भी हो और ये भी पता हो कि बारटेंडिंग के अंदर हमें बार के लीगल एजेस क्या होती है। अगर हमारे पास 18 से नीचे कोई लड़का, बच्चा, कोई आता है, शायद हमें उसको नहीं सर्व करना चाहिए। लेकिन कई बार कई जगह ऐसा हो जाता है कि उनको एजेस का नहीं पता चलता, लेकिन होपफुली बारटेंडर को इस चीज़ का बहुत अच्छे से पता हो कि लीगल एज कितनी होनी चाहिए और क्या होती है। अगर उसको किसी में डाउट होता है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 18 का हर किसी को पता हो और हम हर किसी को रोक टोक के ये बोलेंगे कि आइडेंटिटी कार्ड दिखाइए अपना, हम ये देखना चाहते हैं कि आप 18 से नीचे हैं ऊपर, ऐसा कुछ नहीं होगा, होना चाहिए। लेकिन रैंडमली हम ज़रूर चेक कर सकते हैं, हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम उनसे नीचे किसी को ना सर्व करें। बारटेंडर वो भी होता है जिसे असल में अल्कोहल पीने के बाद क्या रिएक्शंस होते हैं लोगों में, कि कहाँ जाके उसको रोक देना चाहिए, हमें उनको बता देना चाहिए कस्टमर को, बहुत ज़्यादा डाउन हो चुके हैं। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा सर, बस आप इससे ज़्यादा ना पीए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि कस्टमर ने कहीं ज़्यादा पी ली है, उनको अल्कोहल ज़्यादा चढ़ चुकी है, तो मैं आपसे बस यही चीज़ कहूँगा कि स्टॉप करिए, अदरवाइज उनके लिए एक हैंगओवर क्योर बना के दीजिए, ताकि उनको ज़्यादा जल्दी इतना हैवी रिएक्शन ना हो जिससे कि वो डाउन हो जाए या उनको कोई और प्रॉब्लम हो जाए हमारे बार के अंदर। क्योंकि यार ये देखिए कि अगर हमारे बार में जहाँ हम जॉब करते हैं, अगर वहाँ पे ऐसे इंसिडेंट्स अगर होते रहेंगे, तो वो मुझे नहीं लगता है कि वो किसी अच्छी एस्टेब्लिशमेंट के लिए अच्छी बात होती है। सो बारटेंडर अगर अच्छे से क्योर बना के उनको दे दे और होपफुली कस्टमर्स उसको पीने की कोशिश करे या पिए, तो मैं कहूँ कि वो बहुत अच्छी बात होगी। जल्द से जल्द कोशिश करिए कि अगर आपके बार में एस्प्रेसो शॉट कॉफ़ी है और कस्टमर पीने के लायक है, पी सकता है, दीजिए उसको। ऑरेंज जूस दे सकते हैं आप, कैंड और फ्रेश ऑरेंज जूस देंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। जितने सिट्रस फ्लेवर आप जूसेस देंगे कस्टमर को, होपफुली उसका रिएक्शन बहुत जल्दी बच सकता है अल्कोहल का। और मैं ये भी कहूँगा कि आप उसके साथ साथ आप कस्टमर को टमाटो जूस, जैसे कि कहते हैं कि वर्जन मैरी अगर आप उनको बना के देते हैं, थोड़ी सी लेमन जूस का उसमें इस्तेमाल अच्छा कीजिए, जिससे कि उनको क्योर हो सके, तो इससे भी काफ़ी अच्छा असर पड़ेगा। अदरवाइज़ हैंगओवर का कोई इलाज तो है नहीं, हैंगओवर होगा तो फिर उसके बाद कस्टमर की ऐसी थिंकिंग होती है, मेंटालिटी होती है कि जब वो सुबह उठता है तो सुबह उठने के बाद उनको हैंगओवर अगर उनको ज़्यादा चढ़ी होती है तो क्या करते हैं, वो एक और पैक पी लेते हैं ताकि उनकी स्टेबिलिटी वहाँ पे
हो जाए। तो अब हम बात करना चाहेंगे उसकी क्वालिटीज की, बारटेंडर की क्वालिटीज क्या होनी चाहिए। बारटेंडर की क्वालिटी होनी चाहिए जिसको कि रजिस्टर मेंटेन करना आए, जिसको प्रोडक्टिविटी के बारे में पता हो, उसको अपनी ड्रिंक्स उसको कितने ml में कितनी कैसे प्रोपोर्शंस में उसको सर्व करनी चाहिए, उसको उन चीज़ों का पता हो, उसको वेंडर्स का पता हो, उसको ऑर्डरिंग का पता हो, उसको प्रोडक्टिविटी प्रोडक्ट्स का पता हो। बारटेंडर असल में वही माना जा सकता है उसको लीगली लाइसेंस्ड जो रजिस्टर्ड होते हैं, जैसे हमारे इंडिया में L3, L4, L7 जैसे कई सारे रजिस्टर्स होते हैं, उसको मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। एक एक ml एक पैक का उसमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो बारटेंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इस चीज़ों के बारे में उनको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अगर हमारी कोई आगे हमने कोई इवेंट रखा है अपने क्लब बार पब लाउंज इवेंट एरेना कोई जगह कहीं पे जैसे इवेंट्स है, तो उसको वो भी मैनेज करना आना चाहिए, उसको उन सारी चीज़ों के बारे में पहले से पता होना चाहिए। और हमें अपने पास स्टॉक के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। पास स्टॉक का मतलब ये होता है कि हमारी ज़रूरत से थोड़ा सा ज़्यादा सामान हमने अपने पास स्टैक करके रखा हो, जिससे कि हमें कोई नुकसान ना हो, ताकि चलती पार्टी में अगर कभी क्राउड बढ़ भी जाए तो हम उस पास स्टॉक का यूज़ करके अपनी पार्टी को बहुत अच्छा, बहुत लग्जूरियस, बहुत शानदार बना सकते हैं। तो अब हम हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे बारटेंडिंग की। बारटेंडिंग की हिस्ट्री इतनी कुछ खास थी नहीं। 90s में बारटेंडर को इतना कुछ ज़्यादा उनको नहीं माना जाता था, इतना ज़्यादा दर्जा नहीं दिया जाता था। कुछ उम्र वाले लोग बस बार के पीछे खड़े होकर आपको पैक सर्व कर देते थे, ऐसा हिस्ट्री में माना जाता है और ऐसी ही हिस्ट्री कही जाती है। तो एक हमारे बहुत ही अच्छे इंसान थे जो कि हैरी जॉनसन, 90s में 1901-2005 के बीच में जिन्होंने एक अल्कोहल का मैनुअल एस्टेब्लिशमेंट उन्होंने बनाया, और उसके अंदर उस पूरे जिस तरह बार के अंदर जो जो होने लगा उस सभी चीज़ों के बारे में उन्होंने लिखना शुरू किया, लिखा, एक मैनुअल बनाया, मैनुअल के अंदर एक बारटेंडर का नाम आया, बारटेंडेंट, बारटेंडर, बारकीपर, ऐसे कई सारी चीज़ों का नाम आने लगा। तो उस वक्त हैरी जॉनसन जो नाम था उनका, उन्होंने इस चीज़ के बारे में देखा कि हाँ शायद इस चीज़ का बारटेंडर का स्कोप बहुत अच्छा हो सकता है। तो एक एस्टेब्लिशमेंट के साथ उन्होंने एक इंस्टीट्यूट कह सकते हैं, स्टडी का सेंटर कह सकते हैं, ऐसे हम कई सारी चीज़ें कह सकते हैं, तो उन्होंने उसका एस्टेब्लिश किया उस बिजनेस को बारटेंडिंग के लिए। तो उन्होंने कई सारे कोर्सेज, कई सारी चीज़ें इन सभी के अंडर में उन्होंने निकाली, और होपफुली आज हम बारटेंडर का नाम हमारे दिमाग में आता है। हम थैंक्स कहना चाहते हैं उस इंसान को जिसने ऐसा काम किया है। बारटेंडिंग उस वक्त तक भी इतनी ज्यादा शोरों पे नहीं थी, 1920s के टाइम के आगे भी, जब हम कह सकते हैं कि हैरी जॉनसन ने कोशिश की थी इस चीज के बारे में, लेकिन पहले ऐसा कि बारटेंडिंग के लिए लोगों को पार्ट टाइम अडेप्ट करना पड़ता था इस बिजनेस को, जॉब करियर को, लेकिन एज ए करियर ऐसे फार दूर तक अगर देखें तो उनको इतना नजर नहीं आता था स्टूडेंट्स को जितने भी इस चीज के अंदर आना चाहते थे। तो लोग पार्ट टाइम इसको यूज करते थे, जैसे कि अगर हम अपने कॉलेज गए हैं, कॉलेज की फीस हमें कवर करनी है, बार कीपर, या जैसे कि हम कहें कि बार बॉय पीछे बैकअप, उसका भी उन्होंने काम करना शुरू किया एज ए पार्ट टाइमर, लेकिन कोई इसको फुल टाइम अडेप्ट नहीं करना चाहता था। बारटेंडिंग बिजनेस इतना खराब नहीं था, लेकिन हाँ उन लोगों को ऐसा लगता था कि हमारा पार्ट टाइम में इसमें बिजनेस हमें निकल जा सकता है, तो इस करके स्टूडेंट्स इसमें आ रहे थे। बारटेंडिंग की अगर हम बात करें तो बारटेंडिंग में एक और चीज बहुत अच्छे से सामने आती है, बारटेंडिंग भी 1920s से चलते 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 और आगे बढ़ता गया, और जैसे 1780s 1790s आया तो एक हमारे कुछ चीज़ें हमारे सामने आई कि कई लोगों को ऐसा लगने लगा कि अगर बारटेंडिंग को कुछ आगे बढ़ाना है तो हमें कुछ वर्ल्ड लेवल में कुछ अच्छी चीज़ें करनी पड़ेगी, लाइक कॉम्पिटिशन्स। तो उनमें हमारे कुछ नाम सामने आए, वर्ल्ड क्लास कॉकटेलॉजी, IBA, फिर बकार्डी लीगेसी, ऐसी कुछ चीज़ें हमारे सामने आई। फिर ऐसे ऐसे कंट्री बाई कंट्री इन चीज़ों में कंपटीशन बढ़ने लगे और स्कोप बढ़ने लगा, और जब स्कोप बढ़ने लगा तो हमें फिर उसके बारे में इसके अंदर हमें अपनी लाइफ दिखने लगी, और लाइफ दिखने लगी तो अब इसमें ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ इसे अपने कॉलेज फीस भरने के लिए इस बिजनेस को अडेप्ट नहीं कर सकते, मैं कहूँ इसे आप लॉन्गर लाइफ इसे अडेप्ट कर सकते हैं। अगर आप बारटेंडर बनना चाहते हैं, बारटेंडिंग का कोर्स करिए, कोर्स करने के बाद एक्सपीरियंस लीजिए, और जब आप एक्सपीरियंस लेते हैं तो मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताऊंगा कि एक्सपीरियंस लेने के बाद आपको कुछ और चीज़ें भी समझ में आती है। मैं बार के अंदर हूँ, बियर कैसे बनती है, विस्की कैसे बनती है, कॉकटेल्स बनी है, कॉकटेल्स के लिए भी हम अपनी एक अच्छी सी बुक में कुछ अच्छी कॉकटेल्स बना सकते हैं अगर हम इसके अंदर बहुत अच्छे माहिर हैं।
तो कॉकटेल्स की हम लिस्ट बना सकते हैं, उनकी रेसिपीज बहुत अच्छे से मेजर करके डाल सकते हैं, तो इसके अंदर भी हम अपनी बुक प्रिंट करवा सकते हैं। अगर करवाएंगे तो हमारा ही अपना करियर और आगे बढ़ता है। तो इसके आगे हम अपना इवेंट्स लाइन में जा सकते हैं जिसमें बहुत अच्छा बिजनेस स्कोप है, और इसके आगे भी हम अगर हम कंपटीशन में जाते हैं तो हमें कई सारे स्पॉन्सर मिलते हैं, ब्रांड स्पॉन्सर्स मिलते हैं, तो हम इसके अंदर भी जा सकते हैं। वाइन्स कैसे बनती है इसके अंदर हम जा सकते हैं, कनोजियर, कॉकटेल स्पेशलिस्ट और कई सारी चीज़ें जिसके अंदर हम अपना करियर बना सकते हैं। तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस बिजनेस के अंदर आइए, आप इसको करियर एज ए करियर आप इसे अडेप्ट करिए और होपफुली आपको इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलती है। और मैं होपफुली यही चाहूंगा सभी से कि कोई भी अनएथिकली चीजें ना करिए। ओके गाइस, होपफुली आपको ये मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी।